खैरियत से हैं तमाम बच्चे। तो आज हम हाजिर हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ, क्लास 9 सिंटेक्स बुक बोर्ड न्यू बुक के हिसाब से अब हमारी वीडियो सीरीज चल रही है। आज की ये जो एक्सरसाइज है ये डिपेंड करेगी हमारी पिछली 3 वीडियोस के ऊपर। अगर आपने मेरी पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उन 3 वीडियोस को देखें जिसके अंदर मैंने रियल नंबर की तमाम प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है। वो प्रॉपर्टीज समझ लेंगे तो ये एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करने के काबिल इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखना है और उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। सो हमारे पास क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज इन द फॉलोइंग। आपने इस्तेमाल होने वाली जो भी प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर की वो मेंशन करनी है कि किस क्वेश्चन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1/2 + 2/3 = 2/3 + 1/2। आप जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस को देखा हुआ है उन्होंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर की, तो यकीनन वो पहला क्वेश्चन खुद मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका आंसर होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कैसे पता चला बच्चों? तो ऐसे हमें पता चला, हम 1/2 को कंसिडर करते हैं ए, प्लस 2/3 को हम अगर कंसीडर करें बी, इज इक्वल टू, तो 2/3 को हमने बी कहा था तो 2/3 पहले आ गया, यानी कि बी पहले आ गया, प्लस 1/2 को हमने कंसीडर किया था ए। सो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो अगर हमारे पास वैल्यूज़ हो और अगर हम इनकी अरेंजमेंट को चेंज कर दें तो हम इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। वाई एडिशन? बिकॉज दरमियान में हमारे पास एड का सिंबल यूज हो रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो 1/2 + 2/3, अब 1/2 बाद में चला गया, 2/3 पहले आ गया, तो हम इसको लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो ये मेरे पास पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी हुई हैं यकीनन वो इस क्वेश्चन के आंसर को भी गैस कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? जी हाँ बेटा, इसमें यूज हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैसे यूज हो रही है तो इसको भी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4/3 हम इसे कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ए है, प्लस 1/3 को हम बी कंसिडर कर लेते हैं एंड प्लस 2/3 को हम सी कंसीडर कर लेते हैं। सो ये ए है, ये बी है और ये सी है, इज इक्वल टू, सो 4/3 जो है वो ए था, प्लस 1/3 जो है वो बी था एंड 2/3 क्या था? सी था। तो हाँ बच्चों याद आया, जी हाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज थी। पहली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ए बाहर होता है और अगली जो 2 वैल्यूज होती हैं वो ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होती हैं, देन हमारे पास ए अंदर आ जाएगा तो बी सॉरी सी जो है वो बाहर चला जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। बिकॉज दरमियान में एडिशन यूज हो रहा है, एड का सिंबल यूज हो रहा है, तो हमने बता दिया कि दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जहन में रहे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो इस 9 को अगर हम ए कंसीडर कर लेते हैं, इसे बी और इसे सी, सो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से ए इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 ए था, सो ए इंटू 10/9 मीन्स बी, प्लस लगा 9 था ए और 20/9 था सी। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो गैस करें ये कौन सी प्रॉपर्टी है? जी हाँ, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। जब हमारे पास मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे आती है तो हम इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओवर एडिशन, क्योंकि जो अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं ये क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। सो हम इनको लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सो आई होप स्टूडेंट्स जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस को देखा समझा तो अब आप उसको प्रैक्टिकली जो है यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 4/5 को ए, 5/7 को बी और 7/8 को अगर सी कंसीडर करें, सो ये कुछ इस तरीके से बना ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू 4/5 ए था, 7/8 सी था, सो ए सी प्लस 5/7 बी था और 7/8 सी था। जी हाँ स्टूडेंट्स, कौन सी प्रॉपर्टी होगी? तो ये हमारे पास होगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्यों हम राइट कहा? क्योंकि अब जो हमारे पास मल्टीप्लाई होने वाली वीडियो है वो लेफ्ट के बजाय कहाँ चली गई है? राइट पर। यहाँ पर लेफ्ट पे थी तो हमने उसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा। अब ये क्योंकि राइट पर आ गई है तो अब हम इसे कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने इसको पूरी तरीके से लिखना है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको ये प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनको लाजमी देखें, उन्हीं बेस के ऊपर इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे हैं। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को भी आई होप आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं 7/5 को ए कंसीडर कर लूं, 3/5 को बी और 10/15 को सी, तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बनेगी ए माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू 7/5 ए था, 10/15 सी था, 3/5 बी था और 10/15 सी था, तो इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो ए सी माइनस बी सी। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनी है स्टूडेंट? जी हाँ बिल्कुल, ये हमारे पास बनी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। नो दैट इज सब्ट्रैक्शन। वाई? बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ब्रैकेट में मौजूद है सब्ट्रैक्शन, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये सॉरी राइट नहीं, ये हमारे पास है, रोक दो यार इसको दोबारा से बनाएंगे। सो स्टूडेंट मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं, ज़रा गौर से आपने देखना है। डी ओवर सी को अगर मैं ए कंसिडर कर लूँ और ई ओवर एफ को अगर मैं बी कंसिडर कर लूँ, देन इज इक्वल टू ई ओवर एफ पहले आ गया यानी कि बी इंटू ए, तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? जी हाँ बच्चों, ये प्रॉपर्टी हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नो मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज यहाँ पर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इज इक्वल टू के उस तरफ इनकी अरेंजमेंट को हमने चेंज कर दिया, सो लिहाजा ये हमारे पास कहलाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको हर सवाल क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन आती है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, उस पर हमें मैसेज करके बताएं, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। अब इसको भी आप आसान कर लेते हैं, 11 को ए कंसिडर कर लेते हैं, 15 को बी एंड 21 को सी। सो ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटू सी इज इक्वल टू 11 ए था, 15 बी था और 21 सी था, तो अब ए और बी ब्रैकेट में आ गए और जो थर्ड वैल्यू थी 21 ये हमारे पास बाहर चली गई। सो अब जब भी हमारे पास तीन वैल्यूज आती हैं और एक ही साइन के साथ आती हैं, या तो प्लस या तो माइनस या तो मल्टीप्लाई, तीनों अगर एक ही साइन हमारे पास मौजूद हो तो ये हमारे पास क्या होती है बच्चों? तो ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई मल्टीप्लीकेशन के अंदर, जिसके अंदर पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ए बाहर होता है, बी एंड सी अंदर होता है, फिर जब ए अंदर आएगा तो सी बाहर निकल जाएगा, तो दैट इज हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि जिसका आंसर इज इक्वल टू 1 हो क्या होता है बच्चों? वो होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स।
जब इज इक्वल टू जीरो होगा तो वो होगा एडिटिव इनवर्स, और जब इज इक्वल टू वन होगा तो वो होगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 2/11 इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, उल्टा कर दिया 11/12। तो इसी तरीके से 11/12 है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा 2/11। सो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर हो जाएगा 1। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हुई मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। सो आई होप बच्चों आप लोग सवाल को समझ रहे होंगे। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अभी मैंने बताया कि अगर आपके पास इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो वो क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। तो आप यहाँ पर इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 3/5 में क्या चीज ऐड करेंगे ये जीरो हो जाए, तो यानी कि -3/5। तो 3/5 में अगर मैं ऐड कर दूं -3/5 तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली -3/5 को ख़त्म करने के लिए उसमें क्या ऐड किया जाए, +3/5। तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी, जब इज इक्वल टू जीरो हो तो आप इसको यूज़ कर लेंगे कि यहाँ पर यूज़ हुई है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट साइड। तो यहाँ पर भी बहुत आसानी से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने प्रॉपर्टीज को समझ लिया है उनके लिए ये एक्सरसाइज यकीनन बहुत आसान हो गई होगी। इज इक्वल टू वन आ रहा है, इट्स मीन कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ए अपॉन बी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ए अपॉन बी। सो आप यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। आई होप स्टूडेंट्स अगर आपने प्रॉपर्टीज को समझ लिया है तो ये एक्सरसाइज करने में आपको बहुत मजा आ रहा होगा। दो क्वेश्चंस रह गए और उसके बाद मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो आखिरी दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 15/10 को ए कंसिडर करें, 8/5 को बी एंड 4/10 को सी। सो इज इक्वल टू 15/10 ए था इन टू 8/5 यानी कि बी माइनस 15/10 बी था, 15/10 जो है हमारे पास ए था एंड 4/10 इज सी। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर मौजूद है तो हम इसे क्या नाम देंगे, जी हाँ इसे हम नाम देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि मिडिल में हमारे पास जो साइन है वो कौन सा है, सब्ट्रैक्शन का। सो लिहाजा हम इसे नाम देंगे ओवर सब्ट्रैक्शन। लास्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आप बहुत आसानी से देख सकते हैं इज इक्वल टू वन, इट्स मीन कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अंडर रूट 2/3 का इनवर्स 3/√2, 3/√2 का इनवर्स √3। सो ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। सो यहाँ पर बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर प्रॉपर्टी करेक्ट। प्रॉपर्टी आपको गिवन है, अब प्रॉपर्टी को सही साबित करने के लिए आपने सही रियल नंबर को प्लेस करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है √2/5 +3/√6। यहाँ पर हम देखते हैं तो √6 के ऊपर 3 था, इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा, और उसके बाद था √2 and 5 तो √2/5। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है बच्चों, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं और इनकी अरेंजमेंट को हमने चेंज कर दिया, 3/√6 पहले आ गया एंड √2/5 जो है वो बाद में चला गया। तो ये हमारे पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अगर हम 7/10 को ए कंसीडर कर लें प्लस इसको हम बी कंसीडर कर लें और 16/13 को हम सी कंसीडर कर लें। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बुक में मिस्टेक है, जैसा कि आपने पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब जो ए है वो अंदर चला जाएगा तो सी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इट्स मीन जो थर्ड हमारे पास वैल्यू है ये ब्रैकेट से बाहर चली जाएगी एंड पहली जो वैल्यू है यानी कि ए और बी जो है ये हमारे पास ब्रैकेट में इनक्लोज हो जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो क्योंकि ये यहाँ पर बुक में मिस्टेक है तो आप बच्चे भी जो है वो उसको करेक्ट कर लें अपनी किताब के अंदर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 7/10 ए है,
70 ओवर ब्लैंक खाली है, वो बी है, ठीक है। अब यहाँ से बी को देखते हैं, तो यहाँ पर बी के अंदर क्या है, 10 है, ऊपर मिसिंग है, तो इट्स मीन कि यहाँ 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बी क्या है 70 ओवर डैश, और वहाँ क्या है डैश ओवर 10, तो इट्स मीन यहाँ पर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप के देखिए, जब आपको प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी तो आप ब्लैंक को भी बआसानी फिल कर सकते हैं। 7 ओवर 10 जो है हमारे पास ए था, तो इट्स मीन के पहले ब्रैकेट में ए आना चाहिए, तो इट्स मीन 7 ओवर 10 आ गया यहाँ पर। आखिरी हमारे पास रह गया 16, तो 16 था 16 ओवर 33 सी था, तो इट्स मीन के यहाँ पर क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। मैं साहब ने इस क्वेश्चन को जो है वो दोबारा जो है वो रिकॉर्ड करना है, इस क्वेश्चन को मैं अगेन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसको आप रखेंगे, और ये जो अभी रिकॉर्ड किया था क्योंकि इसमें पंखे का शोर आ रहा होगा, उसे आपने डिलीट कर देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2, फिल द करेक्ट रियल नंबर। जो आपके पास खाली बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर हमने रियल नंबर पुट करना है और प्रॉपर्टी को हमने सही साबित करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है अंडर रूट 2 ओवर 5 प्लस 3 अंडर रूट ओवर 6, तो अंडर रूट 6 के ऊपर है वैल्यू 3, सो हमारे पहले ब्लैंक में आ जाएगा 3। और अगर आपसे प्रॉपर्टी पूछी जाए तो बच्चों ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि हम देख सकते हैं दो वैल्यूज़ को ऐड किया जा रहा है और इज इक्वल टू के उस तरफ इनकी प्लेस को चेंज कर दिया गया, पहली वाली वैल्यू बाद में चली गई, बाद वाली वैल्यू पहले आ गई, तो ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर ले 7/10 ए है प्लस 70/- ये बी है और 16/33 ये सी है, इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तीनों साइन एक जैसे आ रहे हैं, यानी कि प्लस प्लस आ रहा है, तो हमारे पास तीनों वैल्यूज के जब एक ही साइन होते हैं तो हम इनको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन हमने एसोसिएटिव में पढ़ा था कि ए प्लस बी प्लस सी, तो इज इक्वल टू के उधर क्या होगा, ए ब्रैकेट में आ जाएगा और सी बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर बुक में मिस्टेक है, तो तमाम स्टूडेंट्स इस मिस्टेक को ठीक कर लें। तो हमारे पास जो ए है वो शामिल हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर एंड जो सी है ये ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा, तो ये आपने करेक्शन कर लेनी है। तो इज इक्वल टू ये कहलाएगा ए प्लस बी प्लस सी। नाउ अब हम इनको कैसे फिल करते हैं जरा देखते हैं, आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो 7/10 ए है, ठीक है, तो यहाँ पर ए कौन है, तो 7 के नीचे बॉक्स खाली है, इट्स मीन यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्लियर हुई बात। अब अगर हम देखते हैं बी को, तो बी में 70/- है, यहाँ पर बी में क्या है डैश ओवर 10, तो इट्स मीन कि यहाँ 70 आ जाएगा और यहाँ 70 के नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, दोनों बी की वैल्यूज मिल गई। सी कौन है हमारे पास, 16/33 सिक्स सी है, तो यहाँ पर भी 16/33 हमारे पास क्या हुआ सी हो गया। तो हमने यहाँ पर आपने देखा कि ब्लैंक्स को कितनी आसानी से कितनी आसान ट्रिक से फिल किया और हमने प्रॉपर्टी को सही साबित किया कि ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास है बहुत आसान प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं 99/50, सो नेक्स्ट के अंदर हमने इसको इन्वर्स कर दिया 50/99, सो ये आपस में क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो ये क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, सो आंसर विल बी 1, ठीक है, बहुत आसान सी प्रॉपर्टी थी। यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो रही है 59/95, इसका इन्वर्स ले लिया 95/59, सो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गया, सो दैट वुड बी इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास दोनों प्रॉपर्टी हुई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ज़रा इसको गौर से देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आ रहा है 0, तो जब हमारे पास 0 आता है इट्स मीन वहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है एडिटिव इनवर्स, यानी कि -21 में क्या चीज़ ऐड करूँ कि ये 0 हो जाए। सो यानी कि -21 के अंदर अगर मैं ऐड कर दूँ प्लस का 21 तो ये आपस में कैंसिल होकर आंसर क्या दे देंगे 0। सो ये हमारे पास हुआ एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मूव ऑन होते हैं आखिरी एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो हम यहाँ पर इसे कंसीडर करते हैं 5/8 को ए मल्टीप्लाई बाय, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं बी और इसे कंसीडर कर लेते हैं सी। सो ए जब मल्टीप्लाई होता है बी से तो ए बी एंड प्लस ए सी। सो इस बेस के ऊपर हम जल्दी से कॉलम्स को फिल कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू के इस तरफ है ए बी, सो बी कौन था 2/3, तो ये अपनी जगह पर ठीक है। अब मिसिंग है कौन ए, तो ए कौन था 5/8, तो इट्स मीन 5/8। नेक्स्ट हमारे पास है
a इंटू सी, तो a कौन था 5/8, ये अपनी जगह पर सही है, c मिसिंग है, तो c कौन था 5/7। तो आपने देखा बच्चों हमने कितनी आसान ट्रिक से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आई होप आपको यकीनन इन क्वेश्चंस को अब करने में मज़ा आ रहा होगा, आपको तमाम सवाल समझ आ रहे होंगे। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। अब हमारे पास कुछ ब्लैंक्स हैं तो हमने इनको फिल करना है और प्रॉपर्टी को सही साबित करना है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको इज इक्वल टू का निशान नहीं बल्कि इन इक्वालिटी यानी कि ग्रेटर और लेस देन का साइन नज़र आ रहा है। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या ट्रिक है, इसको देख लेते हैं। सो देखें, 5 इज़ लेस देन 8 एंड 8 इज़ लेस देन 10। तो अब यहाँ पर दो वैल्यूज आपने पुट करनी है। सो अगर हम इसको कंसिडर कर लें कि ए लेस देन है बी से, बी लेस देन है सी से, तो यकीनन जो ए है वो लेस देन होगा किससे, सी से। तो ए कौन था 5, यानी कि 5 इज़ लेस देन सी यानी कि 10। तो ये हमने पढ़ा था, हमने इन इक्वालिटी की प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अंदर जिसके अंदर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर ए ग्रेटर है बी से, बी ग्रेटर है सी से, तो ए ग्रेटर हो जाएगा सी से, इसी तरीके से वाइस वर्सा फॉर लेस देन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, सो 10 इज ग्रेटर देन 8। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, इसी तरीके से 8 बी है, तो बी इज ग्रेटर देन सी। सो अब आपने यहाँ पर लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इन्होंने क्वेश्चन में साइन को चेंज कर दिया है, तो यानी कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो इसका मतलब होगा कि ए बड़ा होगा किससे, सी से, क्योंकि अब मगरमच्छ का मुंह इस तरफ खुला हुआ है, तो ए बड़ा होना चाहिए किससे, सी से। ए कौन है 10, सो हमने यहाँ पुट किया 10, एंड सी कौन है हमारे पास 5, सो 5 इज़ लेस देन 10 और 10 इज़ ग्रेटर देन 5। तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से इन ब्लैंक्स को फिल कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है, तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी एडिटिव प्रॉपर्टी के नाम से। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे 3 है, राइट साइड पे 6 है। तो लेफ्ट साइड में 3 में मैंने ऐड कर दिया 9 को, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी, जो चीज़ हम लेफ्ट साइड पे ऐड करते हैं वही चीज़ हम राइट साइड पे भी ऐड करते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6+9। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दो पार्ट हमारे पास हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 4 है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 6 है। 4 में हमने ऐड किया 8 को, तो राइट हैंड साइड पे भी हमें ऐड करना पड़ेगा 8 को, सो देयर इज 6+8। सो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को ज़रा समझते हैं, 8 इज़ ग्रेटर देन 6। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर समझना है, देखिए जो चीज़ भी ऐड की जाती है वो बाद में लिखी जाती है। अब यहाँ पर बच्चे ये कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ पर 8 और 6 दोनों हैं, तो क्या 6 में 8 को ऐड किया गया या 8 में 6 को ऐड किया गया। तो हमेशा याद रखें जो नंबर बाद में आता है उसको यानी कि ऐड किया गया है, तो यानी कि 6 में ऐड किया गया है किसको, 8 को, यानी कि इस तरफ 6 में 8 ऐड किया गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा 8 ऐड होगा, सो ये हो जाएगा 8+8। लेकिन अब यहाँ पर एक मिस्टेक बुक के अंदर अगेन है कि 6+8 इज इक्वल टू 14 एंड 8+8 इज 16। सो ये साइन यहाँ पर इसको आपने चेंज कर लेना है, ये साइन ऐसे हो जाएगा यानी कि 8+8 इज ग्रेटर देन 6+8। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हुआ। जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक्स विच मेक प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। तो यहाँ पर भी बहुत आसान सी प्रॉपर्टी जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की वही यूज़ हो रही है। हमारे पास दो डिजिट हैं 5 एंड 7। लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा कि 5 के साथ 12 को मल्टीप्लाई किया गया, इट्स मीन कि 7 के साथ भी हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वलिटी रियल नंबर्स। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं 7 एंड 5, तो 7 में 12 मल्टीप्लाई किया गया, तो इट्स मीन के 5 के साथ भी 12 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, अब इसके अंदर वो आपसे कह रहे हैं कि इसमें साइन पुट करें ग्रेटर और लेस देन का, कि कौन सा साइन इसके अंदर प्लेस किया जाएगा। तो आप देखें 6 था,
इसको मल्टीप्लाई करवाया -7 से, तो फिर 4 को भी कराना पड़ा। तो हमने यहाँ पर एक कैंसिलेशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो नंबर हम खुद मल्टीप्लाई करते हैं वो एक दूसरे से कैंसिल भी हो सकते हैं। सो अगर हम इनको कैंसिल कर दें तो 6 ग्रेटर हुआ, तो 6 को हमने ग्रेटर कर दिया 4 से। यही प्रॉपर्टी कैंसिलेशन की यहाँ यूज़ हुई, तो 2 और 8, तो 8 इज़ ग्रेटर देन 2। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्यूअर्स है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। आपने हर रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स भी मालूम करना है और साथ साथ उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी मालूम करना है। तो अगर हम सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं 3, तो 3 में क्या चीज़ ऐड करोगे ये 0 हो जाए, सो -3, सो दैट इज़ इक्वल टू 0, यानी कि 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है -3। अब अगर इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिया जाए तो यानी कि इसको उल्टा कर दें, नीचे 1 है तो इसको उल्टा कर दें तो 1/3, सो 3 से 3 कैंसिल, 1 आंसर। ये चीज़ हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एडिटिव इनवर्स का आंसर 0 होना चाहिए और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का आंसर 1 होना चाहिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, -7, क्या चीज़ इसमें ऐड करूं कि ये 0 हो जाए, तो +7, तो दैट वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, -7 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1/-7 के साथ, क्योंकि कुछ नहीं है नीचे तो 1 है, तो इसको इनवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो 1/-7, तो ये कट गया, इज इक्वल टू 1, तो ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हुआ। सिमिलरली 0.3 है, तो 0.3 में मैं क्या ऐड करूँगा ये 0 हो जाए, तो -0.3, सो दैट वुड बी इक्वल टू 0। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 0.3 को मल्टीप्लाई कर दूं 1/0.3 से, तो ये कैंसिल हुआ, सो दैट इज इक्वल टू 1। नाउ मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। सो -√5, इसमें क्या चीज़ ऐड करूँगे ये 0 हो जाए, तो +√5/5, ये अगर इसमें ऐड किया जाए तो ये 0 हो जाएगा। अब इसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिया जाए तो -√5/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसको उल्टा कर दें, 5/-√5, तो ये कैंसिल हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सो 9/√12, इसमें अगर मैं ऐड कर दूं -9/√12, तो दैट वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हुआ। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा कि 9/√12 को मल्टीप्लाई कर दूं √12/9 से, पलट दिया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1। नाउ कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, सो 0 में अगर मैं ऐड कर दूं -0, कोई फर्क नहीं पड़ता, सो आंसर विल बी 0। अब अगर हम बात करते हैं इसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की, सो अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई कर दूं 1/0 के साथ, तो ये आंसर हो जाएगा 0, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमेशा जो है उसका आंसर 1 होता है। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि 0 डज नॉट हैव एनी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स? तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये कन्फ्यूजन के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया था कि 0 का आप एडिटिव इनवर्स तो मालूम कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि जब भी 0 को हम 0 से डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 को कम्प्लीटली डिस्कस किया। कोई सवाल, कोई क्यूरी जो आप समझना चाहते हैं, जो अभी तक क्लियर नहीं हुई, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करें, कमेंट में हमें बताएं। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ, इसे लाजमी दूसरों तक शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।